नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूपधुनुषी आरती में। दोस्तों आज शाक्तानंद तरंगिणी में वर्णित अष्टादश उपचार के बारे में बताएंगे। शाक्तानंद तरंगिणी जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कई सारे आगमों से जो है इसमें संग्रह किया गया है। कई सारे आगमों की जो मूल विषय है पूजा पद्धति, विशेषकर जो है पद्धति आदि, उपचार विधि आदि, ये सभी कुछ जो है कैसे पूजा करना है, क्या उपचार होना चाहिए, ये सभी कुछ जो है शाक्तानंद तरंगिणी में जो है संग्रह किया गया है। ये आगम यानी कि तंत्र के संग्रह ग्रंथ बोल सकते हैं आप, संग्रह शास्त्र। तो यहाँ पर अष्टादश उपचार के बारे में क्या वर्णित है आइए जानते हैं। ये असल में जैसे मैंने आप लोगों को पहले आगम शास्त्र से बताया है वही है यहाँ पर कि जो है कहा गया है। देखिए मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ जो कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार जो है पढ़ देता हूँ, संस्कृत में ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद ही जो है हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को। एक ही है, एक ही विषय है, इसलिए पढ़ना नहीं जा रहा था। आगम शास्त्र में जो वर्णित है वही है। आसनं स्वागतं पाद्य आचमणं पाद्यार्घ आचमणं तथा स्नानं वाशवीत अंगभूषणानि च सर्वस गंधपुष्पे धूपदीप तथान्य अंग चापि दर्पणं माल्यानुलेपनं चैव नमस्कार विसर्जनं अष्टादशोपचारस्तु मंत्री पूजं समाचरेत। यहाँ पर दो मत में एक्चुअली लिखा गया है, तो मैं आपको वही जो है बताता हूँ जो कि ये जो मैंने पढ़ा वही है, पर उसका एक और भी उपचार यहाँ पर दिया गया है। मतलब उपचारों की जैसे कि कई मत होते हैं ना, तो यहाँ पर दोनों मत ही जब हिंदी में इसके व्याख्या किए गए हैं तो इसके दोनों मत दिए गए हैं यहाँ पर जो है। पर आसनं स्वागतं पाद्याचमणं तथा स्नानं वाशपवीत वाशश्च उपवीतं आभूषणानि च सर्वस गंधपुष्पे धूपदीपौ तथान्यं चापि तर्पणं माल्यानुलेपनं चैव नमस्कार विसर्जनम् अष्टादशोपचारस्तु मंत्रे पूजं समाचरेत। यही अष्टादशोपचार है। तो कहा क्या है, आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमणीय स्नान वस्त्र यज्ञ उपवीत। यहाँ पर जैसे कई लोग सौभाग्य सूत्र माति भी प्रदान करते हैं, सर्व प्रकार के अलंकार, गंध पुष्प, अलंकार के साथ आभूषण भी, जो सिंदूर आदि होंगे ना वो सब कुछ इसी में आएंगे। क्योंकि शाक्तानंद तरंगिणी से बता रहे हैं ये मूलतः जो है देवी पूजा के आधारित है, पर सभी पूजा के लिए ही, सभी देव पूजा के लिए भी यही एक ही होगा, ऑर्डर भी एक होगा और उपचार भी यही होगा। सर्व प्रकार के अलंकार, गंध पुष्प धूप दीप अन्न यानी कि नैवेद्य, दर्पण, माल्यानुलेपन, माल्य अनुलेपन अर्थात जो है ये जो अष्टगंध आदि से हम भगवान के तिलक करते हैं माल्य आदि पहनाकर, वही कहा जा रहा है माल्यानुलेपन। उसके बाद अनुवासना नमस्कार, अनुवासना नमस्कार। और एक में दूसरे में कहा गया है कि दूसरे में जो है माल्य और अनुलेपन को, अनुलेपन अनुवासन नमस्कार अर्थात जो है इसमें कहा गया है आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र यज्ञपवीत सर्व प्रकार अलंकार आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दर्पण अनुलेपन अनुवासन नमस्कार। ये एक है, और जो मैंने पहले बताया कि आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमण स्नान वस्त्र यज्ञपवीत सर्व प्रकार के अलंकार तथा आभूषण इसी एक में ही आएंगे ये। और जैसे कि सिंदूराभूषण, स्वर्ण आभूषण, रजत आभूषण, सिंदूराभूषण, ये सभी जो होते हैं आभूषण होते हैं। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दर्पण माल्य अनुलेपन माल्यानुलेपन अनुवासन नमस्कार। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। शाक्तानंद तरंगिणी अनुसार जो है अष्टादश उपचार यानी कि 18 उपचार जो है, आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमण स्नान वस्त्र यज्ञपवीत सर्व प्रकार के अलंकार गंध पुष्प
धूप दीप नैवेद्य दर्पण माल्य अनुलेपन अनुवासन नमस्कार। तो ये हो जाता है शाक्तानंद तरंगिणी अनुसार अष्टादश उपचार। मुझे लगता है ये अष्टादश उपचार आप लोगों को समझ में आ गया है। और हमारे उपचार की जो प्लेलिस्ट है जिसमें एक के बाद एक किस प्रकार से जो है मतलब किस प्रकार से निवेदन करना चाहिए उसके बारे में है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।